नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही बड़ी मेगा न्यूक्लियर डील को साइन किया गया है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4.8 बिलियन डॉलर्स के नज़दीक है, जिसके चलते चाइना के द्वारा बेसिकली पाकिस्तान को उनका 1200 मेगावाट बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करने में हेल्प करी जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये वाली जो खबर है आज से 6 दिन पुरानी खबर है। चाइना एंड पाकिस्तान साइन 4.8 बिलियन डॉलर न्यूक्लियर पावर प्लांट डील। इसमें बल्कि चश्मा 5 प्रोजेक्ट है, जिसको कि पाकिस्तान के पंजाब के प्रोविंस में बनाया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंसर्न जो कि सामने पेश किया जा रहा है वो ये है कि इस डील के चलते चाइना के द्वारा जो ग्लोबल रूल्स हैं उनको सीधा सीधा उसका उल्लंघन किया गया है। बिकॉज चाइना खुद एक NSG का मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान ना तो NSG का मेंबर है, दैट इज द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, एंड ना ही पाकिस्तान NPT यानी कि न्यूक्लियर जो हमारी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका भी सदस्य पाकिस्तान नहीं है। तो अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो सीधा सीधा जो वैश्विक नियम है जिसके चलते हम लोग न्यूक्लियर मटेरियल कंट्रीज के बीच में जिसका कॉमर्स होता है वो यहाँ पे इसका उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि चाइना ने साथ में ये भी कहा है कि हमने कोई गलती नहीं करी है अपने डिफेंस में, और उन्होंने इंडिया US की जो आपस में न्यूक्लियर डील हुई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं कि अगर भारत ऐसा कर सकता है तो हमने इस केस में पाकिस्तान को ये देते हुए कोई भी गलती नहीं करी है। बात करेंगे पूरा मुद्दा क्या है, चाइना ने अपने डिफेंस में क्या कहा है, एंड इंडिया US की जो डील पे सवाल उठाए गए हैं उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए आज का सवाल पेश कर रहा हूं। दोस्तों, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का फंक्शन क्या होता है? आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। और ये जो सवाल है, दिस इज अ PYQ बिकॉज ये UPSC CSE 2011 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग अग्निपथ बैच को लेकर आ रहे हैं, जो कि अगले ही हफ्ते 3 जुलाई को शुरू होने वाला है। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, बहुत ही सही टाइम है, बहुत ही अपॉर्चून टाइम है, इसको ज्वाइन कीजिए। और इसमें मैं ही आपके लिए लेने वाला हूं कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी, और मेरे ही द्वारा आपके लिए साइंस एंड टेक की क्लासेस भी ली जाने वाली हैं। इनफैक्ट जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पूरी कहानी है, इसकी जो स्टेजेस हैं, ये सभी की सभी चीजें हम लोग इस साइंस एंड टेक के बैच में ही आपके लिए कवर करने वाले हैं। ये बैच 3 जुलाई से शुरू होने वाला है, और इस बैच में हम आपको 900 से भी अधिक घंटे की जो क्लासेज हैं वो अवेलेबल करवाएंगे आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाएंगे, जिसका टोटल अगर आप देखेंगे तो ओपन मार्केट में जो प्राइस है दैट इज ऑलमोस्ट 1.7 लाख, लेकिन हम लोग आपको ये चीज़ें केवल 7,999 में अवेलेबल करवा रहे हैं। ऑल्सो आपको ध्यान रखना है कि एनरोल करते समय यू हैव टू यूज़ द कूपन कोड ANI UPSC सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और आप अपनी तैयारी को, यूपीएससी की तैयारी को अच्छे से शुरू कर सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, ये बैच के साथ हमने एक कॉम्बो बैच भी लॉन्च किया है, जिसमें कि हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को शुरू कर रहे हैं, और ये कॉम्बो को आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हैं मात्र 15,000 रुपये में। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑल राइट, सो अगर हम लोग ब्रीफली चाइना पाकिस्तान न्यूक्लियर डील की बात करें तो ये 20 जून 2023 की बात है, जब दोनों देशों के बीच में इस न्यूक्लियर डील को साइन किया गया था। 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको कि चश्मा जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के नाम से चलता है पाकिस्तान में, वहीं पर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाया जाएगा। जो पाकिस्तान का चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ये उनके पंजाब प्रोविंस में देखने को मिल जाता है, जिसमें कि ऑलरेडी 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स फंक्शनल चल रहे हैं, और वो भी चाइना के ही द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। जो पुराने 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे उनकी जो कैपेसिटी थी वो 325 मेगावाट की कैपेसिटी थी, लेकिन ये जो अभी 5वां वाला बनाया जा रहा है, दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट, जिसकी कैपेसिटी 1200 मेगावाट की होने वाली है। इसमें चाइना का जो फेमस हुआलोंग 1 रिएक्टर है, जो कि ऑलरेडी चाइना के द्वारा कराची वाले प्लांट्स में भी इंस्टॉल किया गया है, उसी का इस्तेमाल इस वाले रिएक्टर में किया जाएगा। और पाकिस्तान का ये मानना है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इससे उनका जो रिलायंस है वो फॉसिल फ्यूल्स पे कम होगा, और उनकी कंट्री के एनर्जी मिक्स में रिन्यूएबल और न्यूक्लियर एनर्जी का जो शेयर है वो भी धीरे धीरे बढ़ पाएगा, बिकॉज फिलहाल वो केवल 12% पे रुका हुआ है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस एंटायर डील इज दिस,
कि ये वाली जो डील है ये बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी के अंडर आ गई है, बिकॉज जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो एनएसजी का ग्रुप है वो एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है कि कोई भी देश जो कि खुद एनएसजी का मेंबर है वो किसी ऐसे दूसरे देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई नहीं कर सकता है अगर वो देश एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। इस केस में चाइना जो है वो खुद एनएसजी का मेंबर है और पाकिस्तान ना तो एनएसजी का मेंबर है और ना ही एनपीटी का मेंबर है। एनपीटी अगर आपने नहीं सुना हुआ दोस्तों, एनपीटी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य ये है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, टू फॉस्टर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू फर्दर एंड द गोल ऑफ डिसआर्ममेंट। ये वाली जो एनपीटी की ट्रीटी है इसमें आपके चार पांच देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है। दिस इंक्लूड्स पाकिस्तान, साउथ सुदान, इसराइल एंड ऑब्वियसली इंडिया भी इसमें बिलीव नहीं करता है, बिकॉज एनपीटी की जो ट्रीटी है वो इंडिया के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेटरी मानी जाती है। और क्योंकि आपने इसको साइन नहीं किया है तो ये कहा जाता है कि इस केस में चाइना जो है वो अपना न्यूक्लियर मटीरियल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस देश को सप्लाई नहीं कर सकता है। अब बदले में चाइना ने अपने डिफेंस में क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि देखिए हमने एनएसजी को ज्वाइन किया था सन 2004 में और जो हमने चश्मा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में पहले फंक्शन करने वाले रिएक्टर्स हैं वो हमने जो डील्स पाकिस्तान के साथ करी थी वो उसके पहले ही कर ली थी, इसीलिए आज अगर हम उसी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर एड ऑन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इसमें एनएसजी के हमने जो रूल्स हैं उनका उल्लंघन नहीं किया है। साथ ही में चाइना ने ये भी कहा है कि जब इंडिया यूएस के बीच में 2008 में न्यूक्लियर डील को साइन किया गया था तो उस समय जब ये इंडिया कर सकता है, यूएसए से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ले सकता है, तो फिर हमने यहां पे कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन रियलिटी यहां पे क्या है कि यूएसए के द्वारा असल में एनएसजी नॉर्म्स को वायलेट नहीं किया गया था, बिकॉज अगर आप देखें तो उस केस में क्या हुआ था, यूएसए ने वेवर लिया था एनएसजी से कि हम लोग इंडिया को ये मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं और फिर एनएसजी की बैठक हुई थी जिसमें कि एनएसजी ने अल्टीमेटली वेवर को ग्रांट किया था और इसी के चलते 2008 में ये वाली डील संपूर्ण हुई थी, कंप्लीट हुई थी। एंड नॉट जस्ट दैट, इंडिया के द्वारा बल्कि बहुत सारी कमिटमेंट्स भी यहां पे पेश करी गई थी, जैसे कि सारी की सारी फैसिलिटीज को IAEA के सेफगार्ड्स के तहत लाया गया था, फिर ये इंश्योर किया गया था कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग ले रहे हैं वो केवल सिविलियन चीजों के लिए ले रहे हैं, मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अ कंटिन्यूड मॉरेटोरियम ऑन टेस्टिंग, ये भी यहां पे फैसला भारत के द्वारा लिया गया था। तो ये सारी की सारी कमिटमेंट थी जो कि भारत ने पूरी करी थी। सो इंडिया ने इन रूल्स को बाईपास नहीं किया था, इंडिया यूएस ने, बल्कि इन कमिटमेंट्स को पूरा करने के बाद इस डील को अंजाम दिया गया था। चाइना ने फिर भी ये कहा है कि हमें एनएसजी से कोई भी वेवर लेने की आवश्यकता नहीं है और पाकिस्तान को भी कोई भी कमिटमेंट्स करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग IAEA के सेफगार्ड्स के तहत आ जाते हैं वही अपने आप में सफिशिएंट है, उतना भी हो जाता है तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है, हमें यहाँ पे कोई भी सेफगार्ड्स लेने की आवश्यकता नहीं है। द बिग क्वेश्चन टू आस्क इज कि जब चाइना ये सब करने को तैयार है तो वो इंडिया की इंक्लूजन को क्यों अपोज करता है। आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि इंडिया काफ़ी लंबे अरसे से, ऑलमोस्ट पिछले 7 to 8 ईयर से कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन हमेशा ही चाइना ही एक ऐसा देश है जो कि इंडिया की इस मेंबरशिप के खिलाफ होता है। चाइना ने बल्कि यह कहा है कि अगर इंडिया को हम लोग एंट्री दे सकते हैं तो पाकिस्तान को एंट्री क्यों नहीं दे सकते। आप यहां पे देख पाएंगे ये कहानी पहले 2017 में चाइना ने अपोज की, नो रूम येट फॉर इंडिया इन एनएसजी सेज चाइना, और उसके बाद 2019 में चाइना रूल्स आउट इंडियाज एंट्री इनटू एनएसजी विदाउट स्पेसिफिक प्लान ऑन अलाउिंग दी नॉन एनपीटी कंट्रीज। ये जो सिलसिला है 2015 से शुरू हो रखा है, 15, 16, 17 बहुत बार कोशिश करी भारत ने, लेकिन हमेशा ही चाइना ही है जो कि यहां पे बाधा बना हुआ है। खैर, इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर चाइना इन ग्लोबल रूल्स को बाईपास करते हुए पाकिस्तान को ये वाली जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि जो एनएसजी है या फिर जो एनपीटी है इनकी रेलेवेंस ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है और जो ग्लोबल न्यूक्लियर कॉमर्स के जो गवर्नेंस के रूल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अंडरमाइन हो चुके हैं, जो कि
फिलहाल हो रही डील्स उस चीज़ का एक एविडेंस है। आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों आपको आपके आज के सवाल का आंसर बता दूं। सो जो ये हैवी वाटर का फंक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये बेसिकली न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करता है। सो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। बिफोर एंडिंग द वीडियो एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोर्स में दोस्तों एनरोल नहीं किया है तो ज़रूर कंसिडर कीजिए एनरोल करना, स्पेशली अगर आप कॉलेज से पास आउट कर रहे हैं। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही सटीक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, जिसमें कि सारी की सारी क्लासेस आपको सबसे अफोर्डेबल ढंग से अवेलेबल करवाई जा रही हैं। ये कोर्स हिंदी में भी अवेलेबल है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, और इसके अलावा सीसैट बैच भी अवेलेबल है, जो कि 3-4 दिनों शुरू होने वाला है, केवल 2500 में अवेलेबल करवाया गया है, और हमारी टेस्ट सीरीज तो यहाँ पे चल ही रही है। चाहे तो इसमें जाकर के भी आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।